बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी, जवेद पब्लिशर्स में खुश आमदी। हम 4+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम पढ़ रहे हैं। आज हम बच्चे को लाम और मीम की आवाज़ सिखाएंगे, शक्ल सिखाएंगे और बताएंगे लाम और मीम से कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं। तो चले आए सबक की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये क्या है? हाँ, लीमू, जिसको हम हाँ पानी में मिक्स करके पीते हैं, स्कंजमीन बना के। ये कौन है भाई? ये नहीं नहीं बिल्ली नहीं है, ये क्या है गौर से देखो। हाँ, ये है लोमड़ी। ये क्या है? लट्टू। लट्टू के साथ खेलते हैं ना हम लोग। और ये आ गए जिसके हम बात कर रहे थे, लड्डू। बहुत मज़ेदार मीठे मीठे लड्डू। अच्छा, आप ज़रा गौर करो तेज़ी से, अगर हम इन तस्वीरों के बारे में पढ़ें तो हम कुछ सुनेंगे, ठीक है? गौर से सुनना। अगर मैं पढूं, लीमू, लोमड़ी, लट्टू, लड्डू, क्या आवाज़ आ रही है? हाँ, यहाँ पर तो ल की आवाज़ आ रही है। लीमू, लोमड़ी, लट्टू, लड्डू। वेरी गुड। अब जल्दी से आप देखो, जो भी इनके नाम लिखे हुए हैं उनके नीचे हिज्जे दिए गए हैं। वहाँ पर लाम यानी ल कहीं भी आपको नज़र आ रहा है तो उसको सर्कल करके मुझे जल्दी जल्दी बताओ, लाम कहाँ लिखा हुआ है? जी, ये ल लाम लीमू में लाम लिखा हुआ है। लाम लोमड़ी, लाम लट्टू, लाम लड्डू। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ, आपने मुझे इनके भी नाम बताने हैं। ये क्या है? हाँ, खट्टा मीठा माल्टा। वेरी गुड। ये क्या है? हाँ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, मछली। ये क्या है? कुकू कुकू कु मुर्गी। ये क्या है? मोमबत्ती। तो ज़रा गौर करो, इसकी आवाज़ कैसे आ रही है? माल्टा, मछली, मुर्गी, मोमबत्ती। वेरी गुड। तो ये मीम से क्या बना? मीम से माल्टा, मीम से मछली, मीम से मुर्गी, मीम से मोमबत्ती। अच्छा, जब इन तस्वीरों के सामने जो हिज्जे दिए गए हैं इनमें से मीम ढूंढ के इसके ऊपर सर्कल करके दिखाओ जल्दी से। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, अब हम लाम और मीम लिखना सीखेंगे। हम बोर्ड के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हल्का सा यहाँ से मोड़ देंगे, ये लाम की आधी शक्ल बन जाएगी। अगर हम इसी को बड़ा पेट बना दें तो ये लाम की पूरी शक्ल बन गई। वेरी गुड। अब हम मीम सीखते हैं। यहाँ पे हम नुक्ता लगाएंगे और मीम यहाँ से ऊपर जाते हुए गोल घुमाते हुए यहाँ पर ऐसे रोक देंगे, ये मीम की आधी शक्ल बन गई। अगर हम इसी को नीचे की तरफ लंबा सीधी लाइन लगा दें तो ये हमारी मीम की पूरी शक्ल बन जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही जवेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए हम नुक्तों को मिलाते हुए लाम और मीम लिखेंगे और इस तरह से बच्चा लाम और मीम बेहतर तरीके से लिखने के काबिल होगा। कुछ काम हम क्लास वर्क करवाएंगे, कुछ होमवर्क के लिए दे देंगे और इस तरह से हम बच्चे को इस काबिल बनाएंगे कि वो लाम और मीम को उसकी शक्ल को भी पहचान सके, उसकी आवाज़ को भी पहचान सके और वो लिख भी सके। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।